आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। दोस्तों बहुत सारे लोगों का यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रही है, जिन लोगों को यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रही है पैसे डिपोजिट करते हुए, तो उन लोगों को आईएमपीएस करना होगा। तो आईएमपीएस करने का फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको डिपोजिट क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन डिपोजिट यूजिंग बैंक अकाउंट, यहाँ पे टिक करके नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक कर दे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। ऊपर यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, आप कितने अमाउंट का यूएसडीटी यहाँ पे ऐड करना चाहती हो। मैं यहाँ पे मान लो 500 का लिया। उसके बाद नीचे की तरफ आपको जाना है, यहाँ पे कंटिन्यू टू पे पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन सेंड यूजिंग आईएमपीएस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन दिख सकती है, जिन लोगों को दिख रही है उन लोगों को यूपीआई यूज कर लेना है, जिसका नहीं दिख रही है उनको आईएमपीएस करना है। तो यहाँ पे सेंड यूजिंग आईएमपीएस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे कर दे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर ही आपको बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा, आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक है आपकी मुद्रिक्स अकाउंट पे वो बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आपको एक और बैंक डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि अकाउंट नंबर, आईपीसी कोड, बेनिफिशियरी नेम, बैंक नेम, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आपको क्या करना है, आपको आपकी यहाँ पे जो भी बैंक अकाउंट लिंक है उसकी इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन पे जाना है। जैसे कि मेरा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिंक है, तो मैं स्टेट बैंक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर चला जाता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपका एचडीएफसी है या फिर किसी अदर बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट की आपको इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जाना है, वहाँ पे आपको आईएमपीएस का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको आईएमपीएस करना है। तो मेरा यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिंक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाकर आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। जैसे इंटरनेट बैंकिंग के अंदर आने के बाद आपसे यहाँ पर आपको यूजर नेम, आपका पासवर्ड और नीचे यहाँ पर जो कैप्चा दिख रही है यहाँ पे डाल के यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे पूरी लाइन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा, यहाँ पे पहले ऑप्शन ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे करते तो आपके सामने और किस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी नेम डालना है, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर डालना है और बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर को री एंटर यहाँ पे करना है। उसके लिए आपको मुद्रिक अकाउंट पे आना है, यहाँ पे जो अकाउंट डिटेल्स दिख रही है इसको वहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो नीचे यहाँ पे आपको पेमेंट ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आधार स्कैन क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आईएफएससी कोड है वहाँ से कॉपी लेते हैं, उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ट्रांसफर मोड पर आपको क्लिक करके यहाँ पे आईएमपीएस को सिलेक्ट कर लेना है। उसमें नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे अमाउंट डालना होगा, आपने जो भी अमाउंट वहाँ पे सेव किए थे मुद्रिक अकाउंट पे उस अमाउंट को यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिलेक्ट पर्पस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे रेंट को सिलेक्ट कर लेना है। थोड़ी नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पे टर्म्स पे एक्सेप्ट करना है, उसके बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा अकाउंट डिटेल्स देखने को मिलेगा, आपने जो भी यहाँ पे अकाउंट नंबर ऐड किए थे, तो इस अकाउंट नंबर पहले आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको कंफर्म क्लिक करना है। कंफर्म क्लिक जैसे कर दे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो जाएगा। तो आपके एसबीआई बैंक पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के आपको कंफर्म क्लिक करना है। उसके बाद आपको दोबारा आना है आपके मुद्रिक अकाउंट पे, यहाँ पे आपको नीचे आया ट्रांसफर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने और किस तरीके का पेज ओपन होकर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको ऐड यूपीआई नाउ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे आपने जो भी पेमेंट दिए थे, पेमेंट का यूपीआई नंबर होता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे जाओगे तो मिल जाएगा, उस यूपीआई नंबर को यहाँ पे डाल के आपको कंफर्म है पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कर दे तो 1 से 2 मिनट के अंदर आपका जितना भी पैसा होगा वो आपकी मुद्रिक अकाउंट पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही इजीली मुद्रिक अकाउंट पे पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुद्रिक एप्लीकेशन का लिंक देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर आपको इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। ऐप के इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको इसको ओपन कर लेना होगा। इसके बाद अब आपको इस ऐप का कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ जिस भी नंबर से साइन अप करना है उसको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। इसके बाद अब आपको यहाँ ओटीपी को वेरीफाई कर अब आपका जो भी अकाउंट है मुद्रिक एप्लीकेशन पर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जो जो स्टेप मैं आपको यहाँ बताऊंगा उसको आपको यहाँ फॉलो करना है। तो मुद्रिक एप्लीकेशन पर 200 रुपए का फ्री बिटकॉइन पाने के लिए आपको सबसे पहले प्रोफाइल के आइकन पर टैप करना है और आपको यहाँ रिवॉर्ड के सेक्शन पर अप्लाई प्रोमो कोड के ऑप्शन टैप करना होगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रोमो कोड देखने को मिल जाएगा, उसको आप यहाँ अप्लाई कर सकती हो और आपको जो अप्लाई कोड ऑप्शन में टैप कर देना है। अगर ये कोड अप्लाई नहीं होता है तो आपके मुद्रिक एप्लीकेशन के होम पेज पर एक क्लेम योर फ्री बिटकॉइन का ऑफर देखने को मिल जाता है। अगर ये आपके अकाउंट पे शो हो रहा है तो आप यहाँ 200 रुपए का फ्री बिटकॉइन के लिए एलिजिबल हो। तो मुद्रिक एप्लीकेशन पर बिटकॉइन में ट्रेड करने के लिए आपको अपना अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए आपको कंप्लीट वेरिफिकेशन ऑप्शन टैप कर देना है, जहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कंट्री यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा और नीचे कंटिन्यू ऑप्शन टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आईडी है उसको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। इसके बाद अब आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड देखने को मिल जाता है, उसको यहाँ पे एंटर कर वेरीफाई कर लेना होगा। ईमेल को वेरीफाई कर देने के बाद अब आपको अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी पैन कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद अब आपका नीचे कंटिन्यू ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपका डिजी लॉकर के थ्रू अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा, तो इसके लिए आपको नीचे कंटिन्यू ऑप्शन में टैप कर देना है और अब आप यहाँ डिजी लॉकर के पेज पर जाती हो, जहाँ पर आपका जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और जो भी नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है और जो भी आपका डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन है उसको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। और अगर आपको सिक्योरिटी पिन के बारे में नहीं पता है तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन का उसमें टैप कर अपना नया पिन जनरेट कर सकती हो। पिन को एंटर कर देने के बाद आपको इसे कंटिन्यू का उसमें टैप कर देना होगा और आप यहां देख सकती हो कि वेरिफिकेशन के लिए आपका जो भी आधार कार्ड और जो पैन कार्ड है वो आपसे लिया जा रहा है, तो आपको अलाउ का उसमें टैप कर देना होगा। आधार वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अब आपको अपना सेल्फी यहां पर अपलोड करना है, तो आपको कंटिन्यू का उसमें टैप कर देना होगा और आपको यहां प्रोसीड का उसमें टैप कर अपने सेल्फी को यहां पर अपलोड कर देना है। इसके बाद अब आपके यहां पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो भी एनुअल इनकम है उसको यहां सेलेक्ट कर लेना होगा और ऑक्यूपेशन में आपका जो भी ऑक्यूपेशन है उसको आप यहां सेलेक्ट कर सकते हो और नीचे आपके नो का ऑप्शन सेट कर टर्म एंड कंडीशन सेट कर लेना होगा और नीचे कंफर्म का ऑप्शन टैप कर देना है। इसके बाद अब आपको अपना बैंक अकाउंट यहां वेरीफाई करना होगा, तो जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड है उसको यहां
फिलअप कर देना है। डिटेल को फिलअप कर देने के बाद आपको कंटिन्यू का ऑप्शन में टैप कर देना होगा और अब आपके यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आपके बैंक अकाउंट पर 1 रुपीज का अमाउंट सेंड किया जा रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे बैंक अकाउंट पर 1 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और अब आपका मुद्रास एप्लीकेशन जो है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए एक्टिव हो चुका है। सबसे पहले आपको मुद्रास एप्लीकेशन के होम पेज पर क्लेम योर फ्री बिटकॉइन का एक ऑफर देखने को मिल जाएगा, इस पर टैप कर देना है और अपने 200 रुपए के फ्री बिटकॉइन को पाने के लिए आपको यहाँ क्लेम बाय एडिंग फंड का ऑप्शन में टैप कर देना होगा और आपके डिपॉजिट अमाउंट में 2000 रुपए आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन में टैप कर देना है। इसके बाद अब आपका जिस भी ऐप से आपको ना पेमेंट यहाँ करना है उसको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन में टैप कर अपना पेमेंट यहाँ कमिट कर देना है और अब आपके मुद्रास एप्लीकेशन पर 2000 रुपए तक का USDT बाय हो जाएगा। और जब आप यहाँ डिपॉजिट कर लेते हो तो आपका जो भी एक्स्ट्रा 200 रुपए का बिटकॉइन था आपके अकाउंट पर ऐड हो जाएगा और जो आपको यहाँ पे 200 रुपए का जो बिटकॉइन मिला है इसको सेल करने के लिए आपको यहाँ व्यू पोर्टफोलियो का ऑप्शन में टैप करना होगा और नीचे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के सेक्शन पर जो भी फ्री बिटकॉइन है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, इस पर टैप कर देना है। और अभी आप यहाँ देख सकते हैं मेरा जो फ्री बिटकॉइन का वैल्यू है 191 रुपीज है, इसको सेल करने के लिए आपको यहाँ बिटकॉइन पे टैप करना होगा और नीचे आपको यहाँ पे सेल का बटन देखने को मिल जाएगा, इस पर टैप कर देना है और जितना बिटकॉइन आपके अकाउंट पे अवेलेबल है वो आपके यहाँ शो हो जाएगा। तो अपने सारे बिटकॉइन को सेल करने के लिए आपका सेल ऑल का ऑप्शन में टैप कर देना है और नीचे सेल बटन का ऑप्शन टैप कर देना होगा। इसके बाद अब आपका कंफर्म का ऑप्शन में टैप कर देना है और इस तरह आपका जो बिटकॉइन है यहाँ पे सेल हो जाएगा। तो जैसे कि अभी आपने 200 रुपए तक का फ्री बिटकॉइन आपको मिल चुका है, ठीक उसी तरह आपको मुद्रास एप्लीकेशन पर एक बिट15 नाम का इन्वेस्टमेंट पोर्टल देखने को मिल जाता है। इसको चेक करने के लिए आपको सबसे नीचे बिट15 का एक आइकन देखने को मिल जाएगा, इस पर टैप करना होगा और आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में 100 रुपीज का एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ अनलॉक ऑफर का उसमें टैप कर देना है। बेसिकली आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ प्रेडिक्ट करना है कि बिटकॉइन का वैल्यू यहाँ पर बढ़ेगा या घटेगा या किसी स्पेसिफिक रेंज में रहेगा, उसका प्रेडिक्शन आपको यहाँ पे करना है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ जो आपको यहाँ 100 रुपीज का फ्री अमाउंट मिला है बस उसी के थ्रू आपको यहाँ ट्रेड करना है और आपको यहाँ पे 1 रुपए का भी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करना है। आपको यहाँ पे 100 रुपीज का जो फ्री अमाउंट मिला है उसके थ्रू आप यहाँ किस तरह अर्निंग कर सकते हो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे को इस चार्ट को देख के लग रहा है कि इसका जो प्राइस है डाउन होने वाला है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो थर्ड वाला ऑप्शन है जहाँ पर अगर आपका बिटकॉइन का वैल्यू इस स्पेसिफिक प्राइस से कम हो जाता है तो मेरे को यहाँ पे 2.73x का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ अपने हिसाब से किसी भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकती हो और नीचे चूज इन्वेस्टमेंट अमाउंट का ऑप्शन टैप करना होगा और आप यहाँ देख सकते हैं जो आपको फ्री में जो 100 रुपीज का अमाउंट देखने को मिला था उसके थ्रू आपको यहाँ ट्रेड करना है। तो आपको यहाँ कंफर्म इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन टैप करना होगा और अब आपका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टल है यहाँ पे ओपन हो जाएगा और नीचे आपको एक रेंज देखने को मिल जाता है। अगर उस रेंज से बिटकॉइन का वैल्यू कम हो जाएगा तो आपको यहाँ पे जितना भी अर्निंग अमाउंट देखने को मिल जाता है उतने का आपको यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जो भी मेरा बिटकॉइन का वैल्यू है मैंने जो प्राइस रेंज सेलेक्ट कर रखा था उसके बॉटम आ चुका है, जिसके लिए मेरे को यहाँ पे 256 रुपीज का प्रॉफिट हो चुका है जो कि मेरे पोर्टफोलियो में ऐड हो चुका है। तो जैसे कि अभी मेरे पोर्टफोलियो में 3000 रुपए तक का अमाउंट अवेलेबल है, इसको अपने बैंक पे लेने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो पर टैप करना होगा और आपको यहाँ पे USDT वॉलेट देखने को मिल जाएगा, इस पर टैप कर देना है और आपको यहाँ विड्रॉल टू बैंक का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर टैप कर देना है। इसके बाद जो भी आपके अकाउंट पर अवेलेबल USDT है उसको यहाँ पे एंटर कर देना होगा और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरह के फी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और एट दी एंड मेरे बैंक अकाउंट पर 3019 रुपए का अमाउंट क्रिएट होगा। तो आप यहाँ मुद्रास एप्लीकेशन पर सिक्योरिटी रीजन कारण आप 24 आवर के बाद ही विड्रॉल लगा सकती हो और 24 आवर हो जाने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू विड्रॉल का ऑप्शन टैप कर इस तरह जो आपका USDT है यहाँ पे सेल हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट पर कुछ ही मिनटों में क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट पर ये अमाउंट आ चुका है और इस तरह आप ये मुद्रास एप्लीकेशन पर जो इनका रेफरल प्रोग्राम है इसके थ्रू भी आप किसी को रेफर करके भी आप यहाँ अर्निंग कर सकती हो। Thank you.